हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 क्लास 12 के जो कंपार्टमेंट प्राइवेट इंप्रूवमेंट के एग्जाम चल रहे हैं उससे संबंधित कुछ बहुत से बच्चों के डाउट हैं, तो इस वीडियो में उन सभी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे सोल्व करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उन क्वेश्चन में हमें प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10 और क्लास 12 उन सभी बच्चों का जो लगातार पूछ रहे हैं कि सर अगर हम किसी 3 सब्जेक्ट का 2 सब्जेक्ट का या 4 सब्जेक्ट का अगर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, कंपार्टमेंट का फॉर्म भरे हैं, ऐसे में अगर हम किसी एक सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं तो क्या होगा, क्या बाकी 3 बच्चे पेपर में एब्सेंट कर दिया जाएगा, हमें फेल कर दिया जाएगा, या जो हमारे पिछले रिजल्ट में उन 3 सब्जेक्ट में नंबर थे वही मान्य होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, CBSE के जो ऑफिशियल सर्कुलर आया था तो उसमें CBSE ने लिखा था कि आप 3 से 3 जो है सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, और उसके जो अकॉर्डिंग है, ठीक है, जितना आपका एवरेज मार्क्स आएगा उस एवरेज मार्क्स के आधार पर आपको बाकी बचे हुए सब्जेक्ट में नंबर दिए दिए जाएंगे, CBSE ने कहा था। बट CBSE के कर्मचारी जो वहां पर बैठे होते वो कहते हैं कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा है 3 सब्जेक्ट का 4 सब्जेक्ट का तो आपको 4 पेपर देने होंगे, नहीं तो आपका ऑप्शन लगा दिया जाएगा। ठीक, यही बात स्कूल वाले भी कहते हैं कि अगर आपने 3 पेपर का फॉर्म भरा हुआ है, 4 का भरा हुआ, तो आपको पूरे पूरे पेपर को जो है पेपर देना होगा, अन्यथा आपके परीक्षा में आपके ऑप्शन लग जाएगी और आप फेल हो जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन वाला बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि CBSE कुछ और कहती है, ठीक है, स्कूल कुछ और कहते हैं, CBSE के कर्मचारी कुछ और कहते हैं, तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं आपसे आपको अपनी पर्सनली राय दूंगा कि आप जितने भी पेपर का फॉर्म फिल किए हुए हैं इम्प्रूवमेंट का, उन सभी का आप एग्ज़ाम दें तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि CBSE को कुछ कहा नहीं जा सकता। क्लियर, ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों का सर कि अगर हमारा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम जो हम दे रहे हैं और डिस्प्यूट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर डिस्प्यूट का रिजल्ट आ जाता है और इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट बाद में आता है तो क्या होगा, कौन सा नंबर ज़्यादा मान्य होगा। यानी अब बच्चों कहना कि अगर डिस्प्यूट में नंबर बढ़कर आ जाते हैं और हमारे जो हम री एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें नंबर कम आते हैं तो कौन सा नंबर मान्य होगा। तो दोस्तों डिस्प्यूट का रिजल्ट जो आएगा वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि CBSE ने कहा था कि ये जो इम्प्रूवमेंट का आपका एग्ज़ाम है ये आपका रिजल्ट मान्य होगा यदि आपने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल किया है, यदि आप असंतुष्ट थे सरकार द्वारा जो रिजल्ट तैयार किया गया था, CBSE द्वारा जो रिजल्ट तैयार किया गया था, राइट। तो क्योंकि डिस्प्यूट के तो अभी तो बहुत से बच्चों का नहीं आ रहा है और कुछ कुछ बच्चों को तो आ रहा है बट उनका कोई भी चेंजेस उसमें नहीं हुए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, री एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसे जरूर कंटिन्यू रखिए, वही आपका फाइनल रिजल्ट कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बहुत से बच्चों का अपडेट क्वेश्चन था कि सर हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो नीट के एग्ज़ाम भी और बहुत से बच्चों की जो प्रवेश परीक्षा है उस एग्ज़ाम में और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में डेट क्लैश हो रही है, यानी आसपास ही पढ़ रहे हैं। तो हालांकि जो NTA जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसने साफ साफ मना कर दिया कि हम अपनी डेट शीट को नहीं बदलने वाले हैं। तो कल इसको लेकर जो अधिवक्ता है ममता शर्मा जी, उनका जो याचिका थी उसकी उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। अब उस याचिका में क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या एक्सेप्ट किया गया, क्या क्या स्वीकार किया गया, अभी वो डिस्क्लोज नहीं हुआ। जैसे ही वो उसके लिए कोई रिगार्डिंग अपडेट आएगा दोस्तों मैं आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड करूँगा। ये 3 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि जो क्लास 10 क्लास 12 का पेपर चल रहा है और क्लास 10 के बच्चों के कल तो पेपर बहुत आसान आया था और क्लास 12 के बहुत आसान आया था, सब बच्चे बहुत खुश हैं और मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिनके पेपर कल काफ़ी अच्छे गए, और उन सभी के जो जिन बच्चों के भी एग्ज़ाम आने वाले उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ अपने पेपर को अच्छी तरह से दीजिए, अटेंड कीजिए, NCERT को फॉलो कीजिए, बस उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और आप देख सकते हैं कि मैंने आपसे शुरू से कहा कि NCERT को लेकर चलिए, NCERT के अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उसी बेस को आपको लेकर चलना है। और जो आपके पास सपोर्ट मटेरियल है क्लास 10 और क्लास 12 का उसको लेकर चलिए। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन्हें कैसे अटेंड किया जाए।
तो लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब जैसे कल का ही क्वेश्चन बात कर लें, कल क्लास 10th का SST का पेपर था और कल क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के तुरंत बाद ही गांधी जी द्वारा किए गए किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका से तुरंत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने दो अगर तीन प्रमुख सत्याग्रह किए थे, बट बच्चों ने तीन प्रमुख सत्याग्रह के रूप में दो सत्याग्रह क्या चुन लिया, एक जो है सविनय आंदोलन और दूसरा है असहयोग आंदोलन, इनको बच्चों ने लिख के चले आए। लेकिन पूछा कुछ और क्या था, पूछा गया था कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका लौटने के तुरंत बाद, तो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के लौटने के तुरंत बाद तीन महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था वो पहला था आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, दूसरा था आपका दोस्तों आपका खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा था अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन। तो ये तीन चीज़ें थी जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के तुरंत बाद की थी, ये इनमें से आपको दो लिखना था, क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था इसलिए कुछ आंसर और दे के चले आए। तो इस वजह से हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। क्लियर हो गया था, तो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए फिर जो पूछा गया है उसका उत्तर दीजिए, और जब आप क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो आप 50% जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर जो आसानी से ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, क्योंकि आपको क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया। तो दूसरी बात, जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को टैकल करना यह कि सबसे पहले आपको, मैंने कहा कि क्वेश्चन को समझना है, देन आपको अपना पॉइंट देना है कि क्या पूछा गया। जैसे आप सबसे पहले पूछा गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, आपको लिखना होगा इसमें कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे, है ना, अब कब लौटने के बाद, फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि दक्षिण अफ्रीका में के बाद लौटे महात्मा गांधी द्वारा तीन जो प्रमुख आंदोलन चलाए थे उनका नाम लिख देना था बस, और उसके बाद दो का आपको वर्णन कर देना था। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है टैकल करना आना चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन जैसे 5 नंबर का, तो 5 नंबर में आपको 60 से 70 और 80 जो वर्ड से बहुत इनफ होते हैं, तो इतना लेकर चलना आपको क्वेश्चन की जो शुद्ध और साफ लिखे, ताकि जो चेकर एग्जामिनर है वो आसानी से आपके क्वेश्चन को पढ़ सके। हाईलाइट करना ना भूलें, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो अगर किसी बच्चे ने इन मान लेते हैं चंपारण सत्याग्रह लिखा है तो चंपारण सत्याग्रह को हाईलाइट कीजिए, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब किया गया, क्यों किया गया, महात्मा गांधी को किसने बुलाया चंपारण में, है ना, तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करनी होती है लॉन्ग आंसर में। तो इस वजह ये तरीका आसान है जिसे आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपने लॉन्ग आंसर वाले में क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। और मैंने आप सभी से कहा था कि पेपर इजी आ रहे हैं और पेपर में आपको पूरा फोकस करना है, और यही आपके पास एक मौका है अपने आप को साबित करने का और उन सभी लोगों को झुठलाने का जिन्होंने आपके नंबर काटे हैं, चाहे स्कूल हों, चाहे CBSE के कर्मचारी हों जिन्होंने आपका रिजल्ट तैयार किया है, चाहे वो रेफरेंस ईयर के माध्यम से हो, चाहे पैसे लेके रिजल्ट तैयार किए गए उसके माध्यम से हो, नुकसान तो आपके हुआ, तो नुकसान आपका भरपाई भी आपको ही करनी है, क्योंकि वो आपकी भरपाई करेंगे नहीं, आपको अपने रिजल्ट के माध्यम से, अपने एग्जाम में परफॉर्मेंस के माध्यम से आपको दिखा देना है कि हम कहीं अच्छे नंबरों के हकदार थे जो आपने हमसे छीन ली, जो आपने हमें दिए नहीं दोस्तों। तो ये वीडियो मैं आप सभी के लिए इसलिए बना रहा था ताकि आप लोगों को कुछ मोटिवेट कर सकूं, कुछ जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।